और गालियां दे रही थी, मैंने अपनी जबान से अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ घड़ी लहराई थी और घड़ी के साथ इन लोगों ने मेरे ऊपर बोतलें फेंकी, जूते फेंके, चप्स फेंके, चप्स भी फेंकी। हाँ, जिसके हाथ में जो भी था, चाहे जिसके हाथ में पेन था, जिसके असेंबली में चप्स कैसे की, असेंबली में चप्स कैसे की, हर एक के जेब में थे। जितने भी लोग आए, हजारों लोगों को अंदर किया गया था, जिसमें से चर्स भी थे और अभी भी सेक्रेटरी असेंबली के पास मौजूद है, रिकॉर्ड पे पड़े हैं, जूते भी पड़े हैं और गैलरी को तोड़ के शीशे भी पहनके हैं मेरे ऊपर, और जहाँ जिस जिस के हाथ में जो लगा उसने मेरे ऊपर, लेकिन मैं खड़ी रही क्योंकि मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ, लेकिन आप सब लोगों का जो है ये अवाम को मैंने ये मैसेज दिया था। मैम, आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रही हैं कि चरस हजारों लोग लेकर आई हैं ये असेंबली के अंदर, आप जरा इस पे वापस। मैं बिल्कुल, आप लोग जाएं असेंबली सेक्रेटरीट में, जाएं असेंबली सेक्रेटरी से पूछे कि उधर कितने चर्स पड़े थे जिस पे मेरे ऊपर, जिस जिसके पास जितनी जितनी चर्सों की पुड़ियां थी वो मेरे ऊपर फेंक रहे थे और मेरे पांव उसके ऊपर आ रहे थे और वो उसके साथ चिपक रहे थे। आप क्या असेंबली में भी चर्स आई होगी फिर? बिल्कुल, इधर भी चर्स आई है, बिल्कुल, जितनी भी पीटीआई के वर्कर होंगे तो अपने साथ लेकर। नहीं, आप एमपीएस को कह रही हैं या आप नहीं, आप एमपीएस पे इल्जाम लगा रही हैं? निशानदेही कैसी, आप किस तरह कह सकती हैं? वो ग्रीन थे और वो चपकते थे और पाँव पे जब कर रही थी तो वो प्लेट हो जाती है। आपने टेस्ट करवाया कि वो असेंबली सेक्रेटरीट में पड़े हैं ना, जो असेंबली सेक्रेटरी और जो सारे लोग जो है ना वो बोल रहे थे वहाँ पे तो पुलिस है मैडम, चरस पे तो नहीं, असेंबली सेक्रेटरीट में पड़े हैं और जाके होती है क्योंकि आपको पता नहीं, आपने लेबोरेटरी में भिजवाई है कि चेक करवाई है? नहीं, स्मेल आ रही थी और मेरा नहीं था कि मैं उसको अपने साथ। मैडम ये बताइएगा उन पर तो सीधा सीधा मुझे आपने पूछा कि लाए होंगे, तो मैंने आपको जवाब दिया कि हो सकता है लाए होंगे, मैंने तो किसी की चेकिंग नहीं की ना। जस्ट एक ही पार्टी के लोग ला सकते हैं या बाकी भी सारे सारी पार्टीज? ये तो आपको पता होगा, हो सकता है। मैंने तो चर्स देखी ही नहीं ना, असेंबली के अंदर चर्स ला नहीं सकता कोई बंदा, सिक्योरिटी ये ममनू है। इस असेंबली में आपने किसी को देखा है कि जो मियां शहबाज शरीफ और उस पे ऊपर जितनी चीखे और गालियां दे रहे? ये तो प्रोटेस्ट है ना, ये तो होता है, ये तो होता है दुनिया भर में मैडम, प्रोटेस्ट होता है, असेंबली में मुक्के भी मारे जाते हैं, ये होता है असेंबली से लिए। अच्छा, असेंबली, लेकिन आपने भी तो प्रोटेस्ट किया? नहीं, तो मेंबर करते मेरे साथ ना, मेंबर करते। कौन लोग थे वो? जितनी पीटीआई के वर्कर थे जो गैलरीज में बैठे थे, मैं उसी पे कह रही हूँ कि वो लोग कर रहे थे, मेंबर्स ने कुछ नहीं किया। ऊपर गैलरीज से जो लोग आए थे, जिसमें 240 लोग आने चाहिए थे, जिसमें से तकरीबन 8-10 हज़ार लोग आए थे। अच्छा, आपको लगता नहीं आप ज्यादा वल्नरेबल हो गए और खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ भी करवाया जा सके? बिल्कुल, ये सबको बताना चाहती है कि जिस जिसने वोट दिया, किस पार्टी को दिया, कि एक औरत को देख के उसके साथ अकेले में क्या क्या कर रहे हैं। मैं उस बहनों को बता रही थी, मैं उस बहनों को शो कर रही थी जो 52% आबादी है इस मुल्क की, और जिसने निकल के उसने जिस तरीके से लोगों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने वोट दिया, उसको दिखा रही थी कि उन लोगों ने किसको वोट दिया। मैडम, और जो ओवरसीज उसको फंडिंग कर रही है, और मैं खड़ी थी, मैं उनको दिखा रही थी कि उनकी जो फंडिंग है वो किस पार्टी के पास जा रही है। मैडम, 9C चरस का मुकदमा बनता है, आप विटनेस बन सकती हैं, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, आप जाके FIR क्यों नहीं करवाई आपने? मैंने एक FIR की है, अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको, मैंने बिल्कुल दरखास्त दी है, शर्की थाना में दिया है, जिसमें मैंने प्रॉपर लिखा है कि उसमें शीशे थे, असेंबली के गैलरी के शीशे टूटे हुए हैं, उसमें मैंने ये लिखा है कि उसमें चर्स थे, उसने जिस जिस अलकाब से मुझे पुकारा है, आप सब लोगों की माँ करनी होगी। हमने नहीं सुना ना अभी जी, हमने वीडियो देखी है प्रोटेस्ट करते हुए, हमने जूते मारते हुए भी देखा, लेकिन हमें नहीं पता।
मैं मुझे ये बिल्कुल है कि अपने आवाम को अभी पब्लिक को आज एक दफा फिर ये नहीं कह सकती, ये आप कहें, आपको पता होगा जिस अलकाब से किया, मेरे ख्याल से ना आपकी बहन है न मेरे मेरे ख्याल से ना आपकी कोई बहन है न मेरे ख्याल से आपकी मोबाइल तो है ना, तो यूट्यूब ऑन करें, मोबाइल है यूट्यूब ऑन करें, नहीं ना वीडियो देख 3 से 4 दफा देख, या शायद मैं पश्तो नहीं समझता इसलिए समझ नहीं है, तो ट्रांसलेट करो किसे, अब मेरे साथ बैठ जाओ मैं आपको ट्रांसलेट करके, चलें मैडम इस सवाल से आगे निकलते हैं, आपको ट्रांसलेट करके ये चलें, सॉरी शायद आपकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो ये तफ़ज़ात रखी है कि आपका असेंबली में ये रवैया रखा गया, बिल्कुल मैंने उनको सब बता दिया है और मैं कानूनी तौर पर उसके खिलाफ जाऊंगी, और जो जो भी आएगा और जो जो बंदा भी आएगा और जो जो भी मेरे साथ हेरासमेंट करेगा, जैसे कि ये भाई अभी हेरासमेंट कर रहा है, जो जो भी हमारे और मैं और नहीं, ये हेरासमेंट है, इट इज हेरासमेंट, इट इज लाइक हेरासमेंट, यू नो एवरीथिंग बट इट इज हेरासमेंट, यू आर डूइंग विद मी एंड द पब्लिक, बट आई एम वेरी स्ट्रांग, यू आर नॉट, यू आर स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग, एंड आई एम शो एवरीवन मैन, यू आर हाउ टू डील अ वुमन एंड हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, यू आर वेरी स्ट्रांग माशाल्लाह, लेकिन आपसे सवाल पूछा है, थैंक यू, थैंक यू, आप लोग जिस तरह कर रहे हैं इट इज रॉन्ग, थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपको शर्म आनी चाहिए, थैंक यू मैडम, आपको शर्म आनी चाहिए, पता नहीं था मैडम, थैंक यू, आज खत्म कर दें, थैंक यू, सही था प्रेयर दो, थैंक यू मैडम।